subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा तालिबात, जमात 11वीं के पहले सबक के दूसरे वीडियो में आप तमाम का इस्तकबाल है। उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आते होंगे। हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं ताजुल मुल्क और गुले बकावली। शहज़ादा इसकी हेबत से थर्राया, चेहरे का रंग पतंग सा उड़ गया, मुँह पर हवाइयाँ छूटने लगी। यानी जो शहज़ादा ताजुल मुल्क था, वो जब उसका जब मुकाबला देव से हुआ, यानी जब वो देव उसके सामने पहुंचा, तो देव के सामने पहुंचते ही वो थर्रा गया, उसका चेहरे का रंग पतंग सा उड़ गया, मुंह पर हवाइयाँ छूटने लगी। कहा, ऐ देव, तू मेरा हाल क्या पूछता है कि ज़िंदगी इस दुनियाए फ़ानी की मुझ पर वबाल हुई। दुनियाए फ़ानी यानी ख़त्म होने वाली दुनिया, वबाल हुई यानी बहुत ही ज़्यादा परेशान कुन हो गई। अगर मुझे अपनी जान अजीज़ होती तो मैं हरगिज़ आपको मौत के पंजे में ना डालता और तुझसे खूंखार के दाम में गिरफ्तार ना होता। यहाँ पर शहज़ादा ताजुल मुल्क ने अपनी बात को देव के सामने पेश कर दिया कि वो ख़ुद ही मौत के मुँह में आ गया है और मुझको इस ज़िंदगी की सोहबत से छुड़ा और बिला तवक्कुफ़ मेरा काम तमाम कर कि मुझ पर इस सात की ज़िस्त 100 बरस की मशक्क़त के बराबर है। यानी यहाँ पर इल्तिजा कर रहा है और वो कह रहा है कि ज़िंदगी की जो सोहबत है यानी मुसीबत है, परेशानी है, उससे मुझे छुड़ा और मेरा काम तमाम कर दे, ताकि जो मेरी ये जो इस साथ में मुझे जो तकलीफ़ हो रही है वो 100 बरस की तकलीफ़ से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। अब चेहरे का रंग उड़ना यानी खौफ या रंजतारी हो जाना और मुंह पर हवाएं छूटना यानी घबरा जाना, चेहरे का रंग उड़ जाना। देव को इसकी दर्द अंगेज़ बातों पर रहम आया, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम खाई और ये बात ज़बान पर लाया, क्या आदमजाद, मैं तुझे हरगिज़ रंजीदा खातिर ना करूँगा, बल्कि अपनी पनाह में रख कर जिस मतलब के वास्ते निकला है इसमें कोशिश और मदद करूँगा। यानी यहाँ पर देव को शहज़ादा ताजुल मुल्क पर रहम आ गया और उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम खाई, ये बहुत बड़ी कसम होती है, और उसने अपनी ज़बान पर यह बात लाई कि वो आदमजाद यानी शहज़ादे की मदद करेगा और उसे रंजीदा खातिर नहीं करेगा। बस हर रोज़ देव शहज़ादे पर शफ़क़त ज़्यादा करता और बारहा दिलासा दिया करता। यानी बार बार क्या कर रहा था देव, शहज़ादे पर शफ़क़त कर रहा था और दिलासा दे रहा था। ताजुल मुल्क भी मीठी मीठी बातें करके इसे शेर व शुक्र के मानिंद मिल गया और चापलूसी से इसको मोहब्बत के शीशे में उतारा। यानी शेर व शुक्र करना यानी घुल मिल जाना, और उसने क्या किया, चापलूसी किया और उसे मोहब्बत के शीशे में उतार लिया। अलखिस्सा एक रोज़ देव ने मेहरबान होकर कहा कि तेरी ग़िज़ा क्या है, मैं लाऊं। यानी आखिरकार देव ने मेहरबान होकर एक दिन पूछ ही लिया शहज़ादे से कि तेरी क्या ग़िज़ा है ताकि मैं लेकर आऊं। ताजुल मुल्क ने अर्ज़ किया कि आदमियों की ग़िज़ा शक्कर, घी, मैदा, गोश्त वग़ैरह यही चीज़ें हैं। यानी जो आम लोग खाते हैं वही चीज़ें ताजुल मुल्क ने बयान की। ये सुनते ही देव उठ दौड़ा और ऐसे काफ़िले पर पहुंचा कि जिसके लोग शक्कर और घी और मैदा ऊँटों पर लादे हुए कहीं लिए जाते थे, वो लदे लदाए ऊँट उठाकर शहज़ादे के आगे ले आया। कहा, अपनी खोरिश ले और इसमें से कुछ खा। यानी पूरे के पूरे ऊँट जिस पे सामान था वो तमाम का तमाम साथ लेकर आया। खोरिश यानी खुराक, खाना। ताजुल मुल्क ने ऊँटों पर से वो सब उतार लिया और इन्हें जंगल में छोड़ दिया। फिर हर रोज़ कच्ची पक्की रोटी पकाकर खाने लगा। इसी तरह चंद रोज़ गुजरे। एक दिन शहज़ादे ने कई मन मैदा लेकर इसमें घी शक्कर मिलाकर बड़ी बड़ी पत्थर की चट्टानों पर डाल के हाथ पांव से खूब रौंद कर गूँधा। फिर इधर उधर से सूखी लकड़ियाँ जमा करके और रोगनी रोटी सेंक साँक कर तैयार की और एक ऊँट के कबाबी खूब नमकीन भुने। देव ने देख कर पूछा कि आज तूने क्यों इतनी तकलीफ़ उठाई और किस वास्ते फजूल पर कमर बांधी है। यानी ये जो काम
ताजे मुल्क ने किया था ये देव को भी हैरत में डालने वाला था। और वो परेशान हो गया कि घी शक्कर मिलाकर इतनी बड़ी बड़ी रोटियां डाली है, सेक कर तैयार की है और ऊँट के नमकीन कबाब बनाए हैं। ताजिर मुलुक ने कहा ये सब तुम्हारे लिए है ताकि तुम भी एक निवाला इसमें से खाकर आदमियों के खाने की लज्जत दरियाफ्त करो। यानी ये तमाम जो मेहनत थी ये देव के लिए की गई थी। देव ने एक बार की सबका सब उठाकर मुंह में डाल लिया। असबस के इस तरह के खाने की इसने कभी लज्जत ना चखी थी। मारे खुशी के उछल उछल कर खाता था और शाबाश कहकर तारीफ करता था और कहता था कि ऐ आदमजाद, तूने मुझे ऐसी चीज़ खिलाई कि मेरे बाप दादा ने भी कभी ना खाई होगी, बल्कि आज तक किसी देव ने ऐसे खाने की लज्जत ना पाई होगी। इस रोटी के टुकड़े का एहसान मैं अबद तक मानूंगा और दिल से तेरा ममनून रहूंगा। देखिए, इंसान की जो ग़िज़ाइत होती है, खाना होता है, उसमें एक ऐसी रग़बत है, ऐसी खुशी देता है कि जिसके खाने से इंसान तो क्या इंसान देव भी खुश हो जाते हैं। और यही का हाल शहज़ादा ताजुल मुल्क के साथ देव ने किया। शहज़ादे ने जो इसकी रग़बत देखी तो हर रोज़ नई किस्म की रोटी और कबाब तैयार करके खिलाता। देव नहायत खुश होता, यहाँ तक कि एक रोज़ खुद ब खुद कहने लगा, ए आदमजात, तू हर रोज़ इस लुक्मा अजीज़ से मुझे ऐसा खुर्संद रखता है कि अगर मेरे बदन पर हर रोए गए रोए की जगह जबान पैदा हो और हर जबान से शुक्र तेरा एहसान का अदा करूँ तो कभी ना हो सके, लेकिन अब तक ऐसा तेरा कोई काम मेरे हाथ से नहीं निकला, अगर कुछ मतलब हो तो बयान कर। यानी खुर्संद किसे कहते हैं? खुर्संद ये बहुत ही ज़्यादा खुशी और मसरूर और शादमानी की जो बात है उसके लिए ये बयान की जाती है। अब जब ये शहज़ादे ने जब रग़बत देखी तो वो हर रोज़ नए किस्म की रोटी कबाब तैयार करके देव के खिलाने लगा और देव इसे खाकर वो कहता कि ये लुक्मा अज़ीज़ मुझे ऐसा खुर्संद रखता है कि अगर मेरे हर बदन पर हर रोए की जगह जबान पैदा हो, हर जबान से शुक्र तेरा एहसान का करूँ तो भी वो अदा नहीं होगा। ताजुल मुल्क ने अर्ज़ की, मैंने सुना है कि देव का मिजाज अक्सर झूठ की तरफ रागिब होता है और अपनी बात पर कायम नहीं रहते। अगर तुम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम खाओ तो मैं अपना राज तुमसे ज़ाहिर करूँ। यानी ताजुल मुल्क ने भी अपनी बात को पेश करने से पहले पेशबंदी बांध दी और उससे झूठ से बाज रहने का, सच बोलने का इकरार कर लिया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम खाने के लिए कहा। तब देव बोला कि मैं इस बुज़ुर्ग कसम से डरता हूँ, खुदा जाने तो क्या कहे, अगर वो मुझसे ना हो सके तो मरना पड़े। आखिर चारों ना चार कसम खाई और पूछा, कहो क्या मतलब है? यानी देव भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम खाने से डर रहा था, लेकिन आखिरकार उसने कसम खा ली और पूछा, आखिरश यानी आखिरकार, चारों नचार यानी ना चाह कर भी। ताजुल मुल्क ने कहा कि एक मुद्दत से मुझको मुल्क बकावली की सैर का सौदा होता है, इस सरजमीन में पहुंचा दे, यही मेरी आरजू है। यानी शहजादे ताजुल मुल्क ने अपने मुद्दे को बयान कर दिया कि वो मुल्क बकावली जाना चाहता है। ये बात सुनते ही इसने एकदम सर्द से सीने से खींचा और दो हथौड़ अपने सर पर मारकर बेहोश हो गया। यानी देव जो है ये ऐसी फरमाइश थी कि जिसे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। यानी एकदम सर्द सीने से खींचा, दुम सर्द यानी ठंडी सांस लेना, सदमा हो जाना, दो हथौड़ मारना यानी सर पीटना, दोनों हाथ से मारना, तो उसने दोनों हथौड़ मारे और वो बेहोश हो गया। बाद एक साथ के होश में जो आया हाय हाय करने लगा और मातम जद की सूरत बनाकर बोला, ऐ आदमजाद, हक ताला ने तेरे अजल का सर रिश्ता मेरे हाथ में ना दिया बल्कि मेरी हयात की बाग तेरे हाथ में दे दी। यानी सर रिश्ता क्या होता है? मुराद इख्तियार ना देना। अब उसने क्या कहा कि हक ताला ने यानी अल्लाह ताला ने तेरी अजल का सर रिश्ता मेरे हाथ में ना दिया, यानी इसका कोई इख्तियार नहीं दिया था बल्कि मेरी ज़िंदगी मेरी हयात की बाग तेरे हाथ में दे दी है। सुन, बकावली परियों के बादशाह की बेटी है, 18,000 देव बल्कि इससे भी ज़्यादा उसके बाप के ग़ुलाम हैं, वो हर तरफ उसके मुल्क की पासबानी करते हैं। मैं तो एक तरफ वहाँ के ख़ास चौकीदार
जो उस मुल्क से नज़दीक है, उन्होंने भी उस शहर की चार दीवारी को ना देखा होगा। यानी यहाँ पर एक बात साफ हो गई कि जो मुल्क बकावली है, जहाँ पर गुल यानी फूल होता है बकावली में, और बादशाह की बेटी थी, तो वहाँ पर जाना बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन था। वो हर तरफ उसके मुल्क की पासबानी करते हैं, मैं तो एक तरफ वहाँ के ख़ास चौकीदार जो उस मुल्क से नज़दीक है, उन्होंने भी उसकी उस शहर की चार दीवारी को ना देखा होगा। यानी वहाँ पर जाने वाले कोई भी नहीं जा सकते हैं, किसी जी हयात की क्या ताकत, बल्कि सरसरबिन देवों की इजाज़त के बग़ैर जो बरस रोज़ की राह तक निगेबा है, मुमकिन नहीं कि पहुँच सके। यानी वहाँ पर ये बात साफ़ हो गई कि सरसर यानी हवा का वहाँ से चलना भी बेकार है, और वो वहाँ से जाकर नहीं आ सकते। बरस रोज़ की राह यानी एक साल की मुद्दत का रास्ता, और परियां बेशुमार दिन रात निगेबानी में मजबूर है कि कोई परिंदा इस सरहद में पर न मार सके। परिंदा पर न मारना यानी कि किसी का गुजर ना होना। अब वो मशगूल है, अब ज़मीन के नीचे चूहों का बादशाह बे इंतहा फौज से और सांप बिच्छुओं का लश्कर ज़मीन पर महाफिजत के वास्ते मुखर्रर है। यानी महाफिजत करना यानी हिफाजत करना, तो वहाँ पर इतना ज़्यादा पहरा है, इस चीज़ को वो बयान कर रहे थे ताकि कोई सुरंग लगाकर भी ना पहुँच सके। भला फिर मैं तुझे वहाँ क्यों कर पहुँचाऊँ, और जो ना पहुँचा तो यकीन है कि ये सबब इस किस्म के जान से जाऊँ। अब तो एक काम करके आज फिर इसी तरह से खाना पका, देख कर पर्दा गैब से क्या ज़ाहिर हो, और मेरी कोशिश के हाथों क्या बन पड़े। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, यानी उससे जो बन पड़ता है वो करने के लिए वो तैयार है, और वो चाहता है कि एक मर्तबा फिर से वो खाना खिलाए, और वैसा ही खाना खाकर वो पर्दा गैब यानी गैब के पर्दों से वो तमाम चीज़ें जानना चाहता है।